क्या चल ठीक हो आपका भाई? आपकी खिदमत में चौथी वीडियो लेके कंसिस्टेंटली फिर से आते हो गया है। ठीक है, आज की वीडियो जा रही है सैड भाई जन। ठहरो यार, ऐसे कर लो कैमरा। खैर जी, आज की वीडियो जो है ना वो होने जा रही है सैड, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बट इट्स टाइम, खैर ये बातें अभी गाड़ी में जाके आपके साथ करते हैं। बट इट्स गोना बी अ सैड डे फॉर नॉट ऑल ऑवर्स। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं बेच रहे मैं, डोंट वरी, गाड़ी साढ़े को ही रहेगी इंशाल्लाह। वी विल ट्राई टू कीप इट फॉर एवर एंड एवर थिंग। लेकिन ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि मुल्की हालात को देखते हुए मैं ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। बट अब तो ले लिया, सो देर इज नो, और मेरी नजर गाड़ी में पार्टी है इस टाइम, और दिल मेरा दुखी दुखी हो रहा है। चेक दैट, आज ही निकलेगी बाहर यहाँ से। आज रात वाले क्रूज होंगे जरा बेहतरीन किस्म के, यू नो, फोगी नाइट्स। और आज आपको एक अच्छी सी रील भी बना के दिखाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ओ खैर, जाने से पहले एक जरूरी बात। देखो भाई, व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू पुट योर 100%, फिर जाके आपको ये मिलना शुरू होती है। बट देयर आर सम वेज, ठीक है, और आज आपका भाई आपको बताएगा। देयर इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड बायनमो, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जी, ऐसा कुछ बायनमो का यूजर इंटरफेस आपको नजर आता है जो कि ठीक ठाक यूजर फ्रेंडली है। अब अगर बात करें कि इस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी की, जो हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है बेसिकली, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि इट इज सेफ एंड रिलायबल। अब जनाब, बायनमो आपके लिए लेके आया एक वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप इस साल, ठीक है। इस चैंपियनशिप में जनाब आप पार्टिसिपेट करके डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब पार्टिसिपेट आपने कैसे करना है, आपके पास दो तरीके हैं, ट्रेड्स करनी है और स्पेशल पॉइंट्स आपको मिलने हैं जिनको बायन्स कहते हैं, और उन बायन्स की बेस पे आपकी जो है वो लीडर बोर्ड में पोजीशन ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। दो तरीके हैं, एक है जी 50 डेली, जिसमें ये होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेड पे आपको मिलेंगे दो बायन्स, वैसे नॉर्मली आपको एक मिलता है। और दूसरा है जी स्प्रिंट्स, इसमें ये होगा कि आप मैक्सिमम जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास बायन्स आते जाएंगे और लीडर बोर्ड में आप ऊपर जाते जाएंगे। अब जो टॉप 20 लोग होंगे लीडर बोर्ड में वो जनाब जाएंगे फाइनल में, और जो जीतेगा ये चैंपियनशिप उस बंदे को मिलेगी भाईजान टेस्ला एस, इलोन मस्क वाली इलेक्ट्रिक कार। तो भाईजान साइन अप करते साथ ही आपको यहाँ पे एक मिलता है डेमो अकाउंट, डेमो मनी, जिसको यूज करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस अपनी ट्रेडिंग। और जब आप परफेक्ट हो जाएं फिर आप जनाब यहाँ से स्विच करके अकाउंट रियल मनी के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगाने जा रहा हूँ, अराउंड 1000 की टाइम मैं रख रहा हूँ एक मिनट, और ग्राफ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से ग्राफ अभी जाएगा ऊपर, तो यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ आपकी। लेट्स सी कि ये क्या करती है। और इसके साथ ही जनाब ये ट्रेड हमारी हो गई है सक्सेसफुल, और ये जो प्रॉफिट है ये हमारे बैलेंस में इधर ऐड हो चुका है। इसके अलावा भाईजान, डिपॉजिट और विदड्रॉ मेथड्स जो है ना उनको फीजिबल बनाने के लिए इन्होंने पेमेंट एजेंट्स जो है में इजी पैसा, जैज कैश और बैंक ट्रांसफर, बाइनेंस पे ये ऐड कर दिए हैं, तो ये बड़ी गुड चीज़ है। इसके अलावा साइन अप करते हुए अपने भाई का मिस्टर जेफ प्रोमो कोड यूज करके 50% तक बोनस भी हासिल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट्स में भी लिंक दिया हुआ है, साइन अप करें और मजे उठाएं। बाकी भाईजान, जो मैक पे हमने उस दिन स्टोरी लगाई थी, तो इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और जब वो ब्लेड के साथ कट करते हैं ना ऐसे किनारों के साथ रख के, तो उस्ताजी दिल पे कट लगते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं से इस बेचारे का पेंट पूंड ना उखड़ जाए। बहरहाल, शी इज सेफ नाउ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस। लेट्स गो आउट एंड टॉक अबाउट आवर सैडनेस। रेडी, 1 2 3। लो भाई जवानो, चेक दैट, कोर्स का है, कोर्स का है, है कि लग गया है। व्हाट इज दिस डेल बाय डैब साजी, तड़े पैसे पूरे हो गए। ओह तुम्हारी खैर, ये तो खराब हो गया नीचे, इसको लगा रहने दो ताजी, की अल्फी ना लाता है, ले ही नहीं रहा यार, मर्जी यार। खैर गाइस, अपनी सैडनेस की शुरुआत करते हैं हम, और शुरुआत के लिए आपको एक चीज सुनाता हूँ मैं, जरा मुलाहजा फरमाएं। You are hearing this sound for the very last time on this car. जी हाँ, तो ये है आज की sad news. The exhaust is going. The straight pipe, the pops and bangs, no more with us.
एक्सप्लेन करते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दें। हमने अपने फ्रेंड एसन डिमेंटर उर्फ बबलू को ज्वाइन कर लिया, सॉरी पिक कर लिया अपने साथ। इन्हें तो बड़ी लोड रही अजकल तो खैर स्ट्रेट पाए वो आज हम गुड बाय कहने जा रहे हैं, लेकिन गुड बाय कहने से पहले हम उसको एक दफा तसल्ली से इंजॉय करेंगे। हर अंडरपास घूमेंगे, रिंग रोड घूमेंगे, पटाखे चलाएंगे, और एक मिनट में गड्डी मोड़ ला बस। इतने भी खड़े होंगे बॉस, बहुत ज्यादा मछियां खड़ी होंगे इतने, मछियां समझते हैं आप। तो ज़ैफ़ा भाई क्यों स्ट्रेट पाइप क्यों उतारना है? पॉप्स एंड बैंक्स चलते हैं, नाड़ो बड़ी स्मैक्सी लगती है और जनाब मजा आता है, लेकिन क्यों क्यों उतारना है? सबसे पहले रीजन नंबर वन, दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में या जनवरी में हमारा एक या दो या तीन लॉन्ग टूर्स होने वाले हैं, और इतनी लाउड आवाज के साथ जब आप लॉन्ग पे जाते हो तो आपको ना जरा तंगी होने लग जाती है। बाकी नो डाउट इंजॉय, मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं तो इंजॉय करता हूँ, लेकिन साथ फिर कोई ना कोई कंपनी होती है, फिर सुन के बंदा थोड़ा तंग आ जाता है। दैट इज द फर्स्ट रीजन। रीजन नंबर टू जो है ना वो कुछ ऐसे है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि एक साल हो गया हमें लाउड गाड़ी चलाते हुए, स्ट्रेट पाइप और फिर पॉप्स एंड बैंक्स को भी कुछ 7-8 महीने होने वाले हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम कि अब ना बस करें। हालांकि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग ऑन दिस कार, जो इसके मोड्स में मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका कलर या इसकी एयर वो, उसके बाद जो सबसे मज़ेदार फीचर इस गाड़ी का, जो सबसे मज़ेदार मोड मुझे आज भी लगता है वो यही है। ऐसा लगता है मुझे कि यार अब हटा देना चाहिए, दैट्स इनफ। और जो कुछ लोग हमारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि यार शादी ये वो सीन, तो भाई जान देखें यू आर जस्ट लाइक अ फैमिली, ठीक है, आप हमारी फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम अगर ऐसा कुछ होगा तो ये न्यूज़ खुद ब्रेक करेंगे यार, हमने आपसे थोड़ी छुपाना है ब्रदर। खैर जंप आ गए। तो जब ऐसा कुछ होगा हम आपको खुद बताएंगे, हम आपको खुद इनवाइट करेंगे ब्रदर, इजी हो जाए। और तीसरी रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने थोड़ा सा और बात करनी है अभी, वो है जी पंजाब पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड, जो कि पता नहीं अब कहीं कहीं नजर आते हैं, रहे ही नहीं बेचारे। लेकिन उससे पहले पता क्या है, उससे पहले अब मैं कनाल रोड पे जा रहा हूँ और अंडरपास आ गया, और ओ ओ ओ आज आखिरी दिन है। सॉरी ये हमारी पॉप्स एंड बैंक्स ब्रेक आ गई थी रास्ते में पंजाब पुलिस, तो बिना वजह आपको पता है कि हमारी पंजाब पुलिस हैं तो वो हमारे मुहाफिज, हमें ऐसा उनके बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन इट्स ओके कभी कभी कहना पड़ता है। तो आपको पता है कैसे वो लंबी करते हैं फजूल में गाड़ियां रोक के, जब भी वो गाड़ी पंजाब पुलिस या डॉल्फिन ने आपकी रोकी है तो आपको एज अ क्रिमिनल डील करते हैं, ऐ थोड़ा सा क्रिमिनल बन के बना। हेलो एक्सक्यूज मी, अंडरपास आ गया गाइस, फिर से अंडरपास आ गया, अंडरपास ये कौन है? आपकी गाड़ी रोकते हैं तो आपको एज अ क्रिमिनल डील करते हैं, बाहर आए तलाशी दें और ये काले शीशे क्यों है और ये नंबर प्लेट को क्या किया हुआ। ठीक है उनका मतलब काम है, इट्स ओके, बट आपको ना थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए एटलीस्ट, एज अ सिटीजन डील करें। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं हमें जो बड़े तमीज से प्यार से बात करते हैं, हंसते हंसते खेलते भी हैं और बगैर कुछ कहे जाने भी देते हैं, लेकिन आजकल ये काम लाहौर के अंदर इतना को बढ़ गया हुआ है कि हम ना तप गए इस चीज से। अनदर अंडरपास इज हियर गाइस, वो बिला वजह की जो तप चढ़ती है ना उससे बचने के लिए हमने कहा कि यार अब ना बस करें, मतलब छोड़ दें, इन्होंने लंबी करनी है, काले शीशे हो फिर भी बचत हल्की सी हो जाती है तो वो मतलब कोई मसला नहीं करते। बाकी जब ये एग्जॉस्ट लगा और वो सीन होना तो एग्जॉस्ट पे बाद लंबी चली जाती है, ठीक है, वो फिर थाने दिया गल्ला करते नहीं थे, वो फिर यू नो एटीट्यूड मानते ने सानू, फिर उसी एक फ़ोन कराने आते वह फिर से आज हमने प्यार इधर लोग काम कर रहे हैं, रहने दो। बड़ा लभी हम पहुँचने वाले एक जगह पे, वहाँ से हमने खानी है रोटी, रोटी खाने के बाद हम जाएंगे रिंग रोड और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा शूल करेंगे, तो लेट्स गो एंड ईट सम रोटी फर्स्ट। लोका वस्ता मरा साढ़े वस्ता।
द रोटी इज हियर। हां भाई, हां भाई, ओए होए 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 होए, चेक दिस आउट। मलाई में डूबा विंग, ऊपर से गार्लिक नान और उसको मजीद मलाई में डुबो के। खैर जी गाइस, आज आखिरी दिन है तो मैं गया, ओए होए होए होए, आई एम गोना मिस दिस ब्रो, ओए होए होए होए, सालम पटाका। इधर इधर काम तो नहीं हो रहा, बस उधर तक जाने नहीं हो रहा इधर। गाइस चेक दिस आउट, आरएस पहली आ रहा है जिधर तीन एग्जॉस्ट ने बाहर पावर ही बड़ी ज्यादा है, वो बाहर ही नहीं आंदी उतर रेड बुल पी के चलाएगा तो की बनेगा रेड बुल ग्रीन विंग्स। वी हैव बीन जॉइंड बाय मिस्टर इज़म यूज़दान, एवी कहंदे ने कि असीं भी जरा रात दे लई रील्स बनानियां ने ते सानू भी नाल लेके चलो। तो अभी हम चाय शाय पी रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे जरा कुछ फन करने। ऑलराइट गाइस, ओए माय ये वटेड़ा हो गई, मैं पकड़ लेता हूं थोड़ा, इसको हल्का सा हाथ रखना। Alright guys, we are good for a flyby. दसो भाई फटाफट guys, we have successfully shot the shot. What a beautiful night, yaar. What a beautiful night. Ay, yaar, tumne bahut chas karayi hai mujhe. I love you. Agar tum garam na hote to main chumi kar leta main. Kaisa shot tha bhai? Bhai, mazedar hai. Bhai, aa gaya ab aapne agar zyada choosy. Maine choosy hona hai na. Bhai, Dubai jao. Aap seekho. चस्के लेते हैं रुक जाओ।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तूने लिख किया ना, अभी बदत है। मजा नहीं आ रहा है। ओए 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 यार, यार ये कितनी औसम है यार। क्या बात है गाइस, फाइनली हमने चिंगारी भी कर ली है नाडो में। आज चिंगारी बिग चिंगारी। ओए ओए, अंदर का सीन नहीं रिकॉर्ड हुआ हम। पीछे आइए वो देखना, पिछला टायर ऊपर आ गया। ये देखो भाई गाड़ी वहां पे। भाई हमें क्या पता था ये भी कर लेती है। आज पता चला यार, दो तीन साल गाड़ी चला के देख रिएक्शन देख। यार कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। अच्छा लाइव रिएक्शन अंदर का होता ना, पता क्या था? इधर देखी शुरुआत हमारी हुई थी सैडनेस से, लेकिन इस व्लॉग का एंड जो है ना बड़ा हैप्पीली हो रहा है। और मैं कहता हूँ क्या ही बात है, इस गाड़ी ने आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया, तो आज भी इसमें इतना थ्रिल है। हालांकि कहने को इट्स जस्ट अ ग्रैंडी, बट इसमें जो थ्रिल है ना, ओए क्या बात है यार। बहरहाल जी, चिंगारी भी कर लिया हमने, पॉप्स एंड बैंक्स का भी इंतहा के सुन लिया आज, रील्स भी बड़ी बेहतरीन से हमने बना ली। मेरे ख्याल से इस व्लॉग को हम करेंगे इधर खत्म, और इसके बाद फिर अगला मिशन हमारा होगा, पहले हमें डी ट्यून करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉप्स एंड बैंक्स चलाए हमने नॉर्मल एग्जॉस्ट के ऊपर, नॉर्मल पाइप के ऊपर, तो जनाब हमारी ढोलकियां चूलकियां जुड़िया ना सारियां वो फारग हो जानी है। इसलिए पहले इसको डी ट्यून कराना पड़ेगा, इसके पॉप्स एंड बैंक्स खत्म कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे जनाब इसका एग्जॉस्ट खत्म। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपने नाडो की चिंगारी और रिच कजन वर्सेस कोर्ट्स गाए और जनाब और भी पॉप्स एंड बैंक्स इंजॉय किए होंगे। तो भाई को दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टेक केयर, गुड बाय। ये बिहाइंड द सीन है, और वो पीछे से हुज़ैफ़ा है, अगर आप आवाज़ सुनते हैं। पीछे गाड़ी है कोई? नहीं नहीं, पीछे कोई भी नहीं है। फाइनल पटाखे, इसके बाद हमें पटाखे नहीं मिलेंगे।